वीरवार को शिमला के गेटी थिएटर में अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत सोका गकई ने पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती दर्जनों प्रदर्शनियां लगाई गई, जिनका शिमला के विभिन्न स्कूलों के लगभग 2500 विद्यार्थियों ने अवलोकन किया। पर्यावरण के प्रति अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत सोका गकई ने शिमला के गेटी में प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी में शिमला के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश प्राप्त किया। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती इस प्रदर्शनी में दर्जनों प्रदर्शनियों के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानकारी प्रदान की गई। पर्यावरण संरक्षण में प्रत्येक व्यक्ति का क्या महत्व है, इस उद्देश्य से सोका गकई संस्था जगह जगह प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है। इस दौरान गेटी थिएटर में बच्चों को पर्यावरण संरक्षण से संबंधित फिल्म भी दिखाई गई। पर्यावरण में आ रहे नकारात्मक बदलावों के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने के लिए सोका गकई संस्था निरंतर प्रयासरत है। भारत सोका गकई की जोनल लीडर अनूप सूद ने बताया कि सोका गकई द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी में शिमला के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि लगभग 2500 बच्चों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कर सकता है, ये जानकारी बच्चों को दी गई। लगभग 3000 कोई 2500 बच्चे आज तक कर चुके हैं। इसमें हम एक एग्जीबिशन शोकेस कर रहे हैं, सीड्स ऑफ होप, विजन ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड स्टेप्स टुवर्ड्स चेंज। इट इज ये एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है कि हमारी एक इंसान की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। तो इसमें लर्न, रिफ्लेक्ट एंड एम्पावर, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, जो सोका गकई इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट एंड डॉक्टर दाइसा कुइकेडा, उन्होंने 2002 में जो पीस प्रपोजल दिया था फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो उसमें ये उन्होंने फॉर्मूला बताया था कि बच्चों को पहले तो अवगत कराना चाहिए कि हमारी एनवायरनमेंट से हमारा क्या रिलेशनशिप है। So we are interconnected with our environment. There is a relationship between person and an environment. And फिर उस knowledge को हमें reflect करना चाहिए कि हम अपना role अपनी environment में अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसको sustain कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, कई बार हम लोग helpless feel करते हैं कि ये सब pollution हो गया है, water pollution हो गया, इतने पेड़ कट गए, इतना सब कुछ हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। सो इसमें इस एग्जीबिशन के थ्रू हम सबको अवगत करा रहे हैं कि हर एक कोई अपने ही बलबूते पे कुछ ना कुछ जरूर कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।